नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं डेविड वार्नर की ताबड़तोड़ जबरदस्त लाजवाब 166 रन की पारी के बारे में और उनको मिले जीवनदान के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 26वां वर्ल्ड कप मुकाबला था और इसमें वार्नर ने काफ़ी बढ़िया पारी खेली, लेकिन वे यह पारी नहीं खेल पाते अगर उन्हें दो जीवनदान नहीं मिले होते। दरअसल पांचवें ओवर की लास्ट बॉल पर उन्होंने एक अपरकट कैच दिया था सबीर रहमान को, जिसका यह वर्ल्ड कप डेब्यू मैच था और उन महाशय ने यह कैच छोड़ दिया। और वो यही नहीं रुका, उसने 26वें ओवर में भी एक आसान सा रनआउट मिस किया और उसकी बदौलत वार्नर ने 14 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 147 बॉल्स में 166 रन बनाए और 45वें ओवर में सौम्या सरकार की बॉल का शिकार होकर आउट हुए। इस लाजवाब स्कोर के साथ ही वार्नर ने अपने ये 6वीं बार 150 प्लस रन बनाए हैं। उनकी इस बेहतरीन पारी की सहायता से ऑस्ट्रेलिया 381 रन का जबरदस्त स्कोर खड़ा कर पाई और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत भी पक्की है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस परफॉर्मेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में जाना तय है या नहीं। अंत में कुछ लाइन्स, लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर के बेन के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यह खबर आ रही है मुंबई इंडियंस और जम्मू कश्मीर के पेसर यानी फास्ट बॉलर रसिक सलाम के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के अशुमजी गांव के हैं और मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेलते। इसी बार उन्हें आईपीएल में उनकी बेस प्राइस 20 लाख पर खरीदा गया था और हमने उन्हें मुंबई इंडियंस के फर्स्ट मैच में भी देखा था। पूरा मामला यह है कि उन्होंने बीसीसीआई को जो बर्थ सर्टिफिकेट जमा करवाया था वो गलत था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बताया कि रसिक की डेट ऑफ बर्थ जो उनके रिकॉर्ड्स में है वो बीसीसीआई को दी गई डेट ऑफ बर्थ से मेल नहीं खाती, तो इस वजह से बीसीसीआई ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया है। यह न्यूज़ क्रिकबज के हवाले से आ रही है। अब रसिक अंडर 19 में भी नहीं खेल पाएंगे और इंग्लैंड में जिस दौरे पर वो अभी जाने वाले थे उससे भी वे हाथ धो बैठे हैं और उनकी जगह पर प्रभात मौर्या को ले लिया गया है। तो इस वजह से अब वो आईपीएल 2020 में भी मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल पाएंगे। मेरा कहना यह है कि इस मुकाम पर जाकर आप ऐसी गलती क्यों करते हो? अब यहाँ से फिर नीचे आना बड़ा दुखदायी होता है। होप रसिक इस दुख को अच्छे से टैकल करें। अंत में कुछ लाइन्स, सपने देखो और उसे पूरा कर दिखाओ, अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ, चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा, उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ते जाओ। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।